दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमें आज तक कई ऐसे सुपरस्टार देखने को मिले हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी के प्यार में ज़रूर पड़े हो। चाहे फिर बात हो अजय देवगन जैसे एक्शन हीरो की या फिर दीपिका पादुकोण जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस की। और एक समय ऐसा भी था जब हिंदी फिल्मी जगत के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन भी किसी एक्ट्रेस को अपना दिल दे बैठे थे जो उम्र में इनसे लगभग 12 साल छोटी थी। तो कौन है वह अभिनेत्री जिनसे बच्चन साहब अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे? अगर आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस महानायक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शहनशाह, बादशाह, महानायक और बिग बी के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन से लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है और अपने एक्टिंग करियर में हर चेंजिंग किरदार को बखूबी निभाया है। चाहे फिर बाद रोमांस की हो या फिर एक्शन हीरो की, इन शानदार किरदार के साथ इन्होंने जबरदस्त डायलॉग से भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है, जिसमें डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है जैसे ढांसू डायलॉग शामिल है। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में लगभग 4 दशकों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया है और हिंदी फिल्म जगत को कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से नवाजा है। इन्होंने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय का रंग बिखेरा है और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपने करियर को भी पीछे छोड़ दिया हो। आज भी इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है। ये हमें जल्द ही फिल्म में ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगे। वेल, ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से सभी को चौंका देने वाले इस महानायक का दिल भी एक समय अपने से 12 साल छोटी हसीना पर आ गया था। अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार वे कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्हें बिग बी अपना दिल दे बैठे थे। तो चलिए आपको बताते हैं। एक्चुअली जिस अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा है। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब दोनों का अफेयर काफी सुर्खियों में रहा करता था। ये बात उस दौर की थी जब फिल्म दो अनजाने की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में अमिताभ और रेखा साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों की प्यार की की शुरुआत हुई थी। जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर दिखाई गई तो इस फिल्म में अमिताभ और रेखा की लव केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। जब इन दोनों के अफेयर का खुलासा हुआ तो ये कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा टाइटल बन गया था। ये जब कभी किसी अवार्ड फंक्शन में या इवेंट में शामिल होते थे तो उनसे इस बारे में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही अमिताभ बच्चन अभिनेत्री जया भादुरी के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे और यही वह वजह थी जिसकी वजह से बच्चन साहब ने रेखा को छोड़ दिया था। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि समय के साथ इन बातों को भुला दिया गया है। दरअसल आज भी जब रेखा या बच्चन साहब किसी मीडिया इंटरव्यू में शामिल होते हैं तो भी इनसे इस मामले में सवाल पूछ लिए जाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, अरे भाई ये तो सेलेब्स की दुनिया है, यहाँ हर एक छोटी से छोटी बात कंट्रोवर्सी से जुड़ जाती है। तो फिर बॉलीवुड के महानायक के अफेयर की बात को भला कोई कैसे भूल सकता है? दोस्तों, क्या आपके हिसाब से बच्चन साहब ने जया के साथ शादी रचा कर सही किया या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।